बढ़ते हैं आगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर मामले पर कांग्रेस ने गठित की है जांच कमेटी। चार वरिष्ठ नेताओं को कमेटी में शामिल किया गया है। पीड़ित परिवार से मिलेगी जांच कमेटी। पूरे घटनाक्रम पर कमेटी पीसीसी चीफ को रिपोर्ट भी सौंपेगी। गोविंद सिंह डोटासरा को ये रिपोर्ट सौंपा जाएगा। जांच दल में सांसद भजन लाल जाटव, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना शामिल हैं और कमेटी में पूर्व मंत्री रामलाल जाट और सांसद प्रत्याशी ताराचंद मीरा भी शामिल हैं। उदयपुर मामले पर कांग्रेस की तरफ से ये जांच कमेटी का गठन किया गया है। बता दें कि चार वरिष्ठ नेताओं को इस कमेटी में शामिल किया गया है और ये कमेटी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी, बातचीत करेगी, इस पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा करेगी और पूरे घटनाक्रम पर पीसीसी चीफ को रिपोर्ट भी ये कमेटी सौंपेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ सहयोगी वीरेंद्र शेखावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, उदयपुर मामले के बाद से ही जिस तरीके से हमने देखा लोगों में काफी आक्रोश है इस पूरे मामले को लेकर, कांग्रेस पार्टी ने जांच कमेटी का गठन किया है, क्या कुछ इस जांच कमेटी में जांच पड़ताल किया जाएगा और कौन कौन से नेताओं को इस कमेटी में शामिल किया गया है, जानकारी दीजिएगा। घटना को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक कमेटी गठित की है और उस कमेटी के अंदर कई नेता हैं वो शामिल किए गए हैं और जो नेता शामिल हुए यानी इस कमेटी के जो मेंबर रहेंगे वो पीड़ित परिवार से मिलकर पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाएंगे और जो ये जांच दल है जानकारी लेने के बाद भजनलाल जाटव जो कि सांसद उदयलाल आंजना हैं और जो मंत्री रामलाल जाट हैं, ताराचंद मीना हैं, तमाम जो ये नेता हैं इस जांच को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा है उनको सौंपेंगे। जी ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।